हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जॉब फैक्ट्स चैनल। तो आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट की तरफ से जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन निकाली गई है उसके बारे में। ये जो नोटिफिकेशन है ये 13 अक्टूबर को निकाली गई है। यहाँ पर जो है वो स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 की वैकेंसीज निकाली गई हैं। स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 की ये वैकेंसीज हैं। टोटल वैकेंसी है आपकी 78 जो है यहाँ पर टोटल वैकेंसी आपकी स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 की, जिसमें 27 आपकी रेगुलर हैं और 51 जो है वो आपकी कॉन्ट्रैक्ट बेस के ऊपर हैं। ये एप्लीकेशन फिलअप होना स्टार्ट होगी आपकी 20 अक्टूबर से जो है वो आप इस एप्लीकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और जो लास्ट डेट है इस एप्लीकेशन के लिए अप्लाई करने की वो है आपकी 18 नवंबर जो है वो इन एप्लीकेशन के लिए अप्लाई करने की आपकी लास्ट डेट है। यहाँ पर टोटल वैकेंसी है आपकी स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 की 78, जिसमें से 27 वैकेंसी जो है वो रेगुलर वैकेंसीज हैं, जिसमें अनरिजर्व कैंडिडेट्स के लिए 11 वैकेंसीज हैं, एससी के लिए 5 वैकेंसी हैं, एसटी के लिए 1 है, ओबीसी के लिए 6 हैं, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए 1 वैकेंसी रिजर्व है और फिजिकल हैंडीकैप कैंडिडेट्स जो हैं उनके लिए 3 वैकेंसी रिजर्व है। इस तरह से रेगुलर वैकेंसी जो है वो है आपकी 27। जो कॉन्ट्रैक्ट बेस के ऊपर आपकी वैकेंसीज है 51 टोटल यहाँ वैकेंसीज है कॉन्ट्रैक्ट बेस के ऊपर, जिसमें अनरिजर्व कैंडिडेट्स के लिए 16 वैकेंसीज हैं, एससी के लिए 14 है, एसटी के लिए 1 वैकेंसी है, ओबीसी के लिए 11 वैकेंसी है, ईडब्ल्यूएस के लिए 6 है और फिजिकल हैंडीकैप कैंडिडेट्स के लिए 3 वैकेंसी रिजर्व है। इस तरह से कॉन्ट्रैक्ट बेस के ऊपर आपकी 51 टोटल वैकेंसीज है। जो क्वालिफिकेशन आपकी यहाँ रखी गई है वो आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए किसी भी डिसिप्लिन में आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए, और 80 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश स्टेनोग्राफी में आपकी स्पीड होनी चाहिए और 60 वर्ड पर मिनट इन हिंदी स्टेनोग्राफी में आपकी स्पीड होनी चाहिए। इसके अलावा आपको एक टाइपिंग टेस्ट भी क्वालिफाई करना होगा, टाइपिंग टेस्ट इन इंग्लिश, जिसमें आपकी स्पीड इंग्लिश में 40 वर्ड पर मिनट ऑन कंप्यूटर होनी चाहिए, और हिंदी में जो टाइपिंग टेस्ट होगा उसमें 30 वर्ड पर मिनट आपकी जो है स्पीड होनी चाहिए। 10% मिस्टेक जो है वो यहाँ पर आपको प्रिमिजिबल है, इसके बाद आपको डिसक्वालीफाई कर दिया जाएगा अगर 10% से ज़्यादा आप मिस्टेक करते हैं। तो जो ये टोटल वैकेंसी है 78 रेगुलर और कॉन्ट्रैक्ट बेस के ऊपर, इनको जो है डिस्ट्रिक्ट वाइज ब्रेकअप किया गया है। जैसे बिलासपुर में रेगुलर कोई वैकेंसीज नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट बेस के ऊपर 6 वैकेंसीज है। चंबा में जो है वो रेगुलर वैकेंसी 2 है और कॉन्ट्रैक्ट बेस के ऊपर 3 है। हमीरपुर में रेगुलर वैकेंसी 2 है, कॉन्ट्रैक्ट पे 2 वैकेंसीज हैं। कांगड़ा में 2 रेगुलर वैकेंसीज है और 15 वैकेंसी जो है वो कॉन्ट्रैक्ट बेस के ऊपर है। किन्नौर में 1-1 वैकेंसी है, 1 रेगुलर और 1 कॉन्ट्रैक्ट बेस के ऊपर। कुल्लू में आपकी रेगुलर कोई वैकेंसी नहीं है और कॉन्ट्रैक्ट बेस के ऊपर 6 वैकेंसीज हैं। मंडी में 7 वैकेंसी रेगुलर हैं और 4 वैकेंसी आपकी कॉन्ट्रैक्ट बेस के ऊपर है। शिमला में जो है आपकी 2-2 वैकेंसी जो है वो रेगुलर और कॉन्ट्रैक्ट बेसिस के ऊपर है। सिरमौर में आपकी रेगुलर वैकेंसीज हैं सिर्फ 6 वैकेंसीज, कोई किसी भी तरह की कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर कोई वैकेंसी नहीं है यहाँ पर। सोलन में 2 वैकेंसीज हैं रेगुलर और 3 वैकेंसीज आपकी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस के ऊपर। ऊना में आपकी 3 वैकेंसी रेगुलर है और 9 वैकेंसी आपकी जो है वो कॉन्ट्रैक्ट बेस के ऊपर है। इस तरह से टोटल 27 रेगुलर और 51 आपकी जो है वो कॉन्ट्रैक्ट बेस के ऊपर आपकी यहाँ पर वैकेंसीज निकाली गई हैं 51। जो एप्लीकेशन फीस आपने यहाँ पे करनी है, अगर आप जनरल कैंडिडेट्स हैं तो 347.20 पैसे जो है आपने यहाँ पर पे करने हैं। 348 रुपये आपने जो है 348 रुपीज़ अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तब आपने पे करने हैं। और अगर आप हिमाचल प्रदेश के कैंडिडेट्स हैं जो रिजर्व कैटेगरी से हैं, जैसे एससी एसटी ओबीसी या फिर पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स हैं, तब आपने जो है वो 198 रुपीज़ जो है वो यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ीस पे करनी है। इसके अलावा जो एज लिमिट रखी गई है वो मिनिमम 18 साल की होनी चाहिए, मैक्सिमम आपकी जो है 45 ईयर्स रखी गई है। और अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, एससी एसटी ओबीसी ऑफ हिमाचल प्रदेश हैं या पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी हैं पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स हैं, तब आपको एज पर गवर्नमेंट रूल या एज पर हाई कोर्ट रूल के हिसाब से जो है आपको एज रिलैक्सेशन यहाँ प्रोवाइड किया गया है। तो लास्ट डेट है इस एप्लीकेशन के लिए अप्लाई करने की, मैं आपको पहले बता चुका हूँ, वो है आपकी 18 नवंबर। 18 नवंबर तक जो है वो आप इस एप्लीकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस नोटिफिकेशन का लिंक जो है वो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दिया, वहाँ जाकर आप इस नोटिफिकेशन को चेक कर लेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।